ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं पहले सबके लिए, चाहे आप मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े कोई भी देख रहे हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक सेजिटेरियस आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। सो सेजिटेरियस के लिए करंट एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस वीक ऑफ कोर्स। ओह, सो हमारे पास यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ अनलॉक, सम डोर्स आर अनलॉकिंग फॉर यू, लव पैशन रोमांस, ठीक है, न्यू लव। And number 33 we are getting number 7, so it's like blessing, maybe आप अच्छा feel कर सकते हैं, happy feel कर सकते हैं, positive, अपने आप को time दे सकते हैं, you know, या अपने पे work करना, maybe looking beautiful, ठीक है, anything, haircut or looking beautiful, या कुछ time spend कर रहे हैं, like maybe it's about going to saloon, buying clothes, या हो सकता है some inner work, ऐसा हमें energy दिखाई दे रही है, या feeling loving energy, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। आई थिंक ऑफ कोर्स अपने आप को टाइम दे रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, और हो सकता है कि आप एंटर कर रहे हैं टूवर्ड्स द न्यू चैप्टर। कुछ के लिए ये हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि यस, चीज़ें कुछ थोड़ी सी स्टक थी, बट नाउ इट्स अबाउट यू नो कि कुछ अच्छी पॉजिटिव, यस आई मीन यू वर स्ट्रगलिंग, हो सकता है कुछ स्ट्रगल चल रही थी, बट अब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशन, स्पेशली रिलेशनशिप के सेक्टर के मामले में। ओके, और तो फीलिंग गुड इनसाइड आउट, ठीक है, और जो लोग यू नो कोई भी हैं जो आप देख रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अब हम आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे सेजिटेरियस। सो व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। सो सेजिटेरियस, आई थिंक अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट यू हैव फीलिंग्स, यू हैव फीलिंग्स, ओके, फॉर समवन, बट आप जगल कर रहे हैं। इट्स अबाउट फैमिली प्रेशर, या यू नो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी एंड फैमिली, मतलब काम को लेके और घर को लेके, तो इन दोनों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको वक्त नहीं मिल पाता, या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, या हो सकता है चॉइसेस हैं, तो दीज आर द थिंग्स वी आर गेटिंग सेजिटेरियस के लिए। बट ऑफ कोर्स इमोशंस हैं, एंड आप ड्रीम करते हैं टू हैव अ परफेक्ट फैमिली, बट वही चीज़ है जो आई थिंक उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे फील लाइक टेंटन एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आई थिंक ये जो पर्सन है थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। समबडी इज़ फीलिंग लाइक बिट्रेड, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट 10 ऑफ सोर्ड्स, और हो सकता है कि ये पर्सन, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, कोई भी हैं, एक्स वाई जेड, आप हस्बैंड वाइफ हैं, बट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन और अ सिचुएशन, आउटर सिचुएशन, थर्ड पार्टी। क्लियर कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और पर्सन ही हो, काम, ठीक है, काम की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर रहा है, ये चीज़ है, बट कुछ चीज़ें बदली हैं आप लोगों के बीच में। इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं, आई थिंक वो चाहते हैं ऑफकोर्स कि ये रिलेशनशिप काम करे, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक येस ऑफकोर्स वो चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग गो इस चीज़ को, और इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, बट देर आर पीपल यू नो ऑफ कोर्स, मतलब ये रिलेशनशिप उतना स्मूथ नहीं है जितना हमें दिख रहा है, और हो सकता है कि एक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है इस रिलेशनशिप में। मे बी कोई पेशेंटली वेट कर रहा है, या पेशेंटली टाइम दे रहा है, या आपके पार्टनर जो हैं वो यू नो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें सॉल्व होंगी। कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, कि एक डिस्टेंस आ गया है या आ गया था, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि कर्मा, यू नो समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, और अ साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड, और एक चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है, और वो चैप्टर कौन सा है, लाइक यू नो
रनर चेजर, रनर चेजर वो वाला, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. सो वेयर इट इज़ हेडिंग नाउ, आई थिंक कुछ क्लैरिटी आ सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कि कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, बातें कुछ क्लियर हो सकती हैं, इट्स अबाउट दैट. और कुछ सेजिटेरियस के बीच में ये हो सकता है कि चीज़ें कुछ स्मूथ हो और आपको कुछ पता चले कि आपके पार्टनर एक्चुअली में मतलब क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, इट्स अबाउट जस्टिस, न्याय का वक्त है, फैसले का वक्त है, ठीक है, ऐसी हर चीज़ हमें दिखाई दे रही है. तो आर या पार वाली है ना, कि चीज़ें क्लियर होंगी, स्मूथ होंगी या कैसे, वो देख लेते हैं थोड़ा और आगे. सो व्हाट्स कमिंग फॉर सेजिटेरियस इन लव, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है वेरी सून, ठीक है. What you want, Sagittarius? पहले तो decide कीजिए. Angels आपके ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है. What you really want? आप चाह क्या रहे हैं पहले वो बताइए उनको. क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये चीज़ है forgiving and learning, कि क्या आप क्या करना चाहते हैं. इट्स अबाउट यू नो लर्निंग. वेडिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है यू डिज़र्व लव, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हमें कन्फ्यूज स्टेट में दिखाई दे रही है. वेडिंग का कार्ड, एक्सप्रेस योर लव. सो आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है. और शायद ओके, या कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कोई रिलेशनशिप आपका है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या इट्स अबाउट डबल माइंडेड, ठीक है, कि कोई डबल माइंडेड हो रहा है, अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रहा. और व्हेन यू मेकअप योर माइंड, ठीक है, जब आप अपना बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि इस तरफ या उस तरफ, तो आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है. ये चीज़ है. रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे. तो इसका मतलब ट्रस्ट, इसका मतलब फेथ. तो अगर फेथ रीबिल्ड होता है तो चीज़ें आपके लिए सॉल्व. देखिए, बहुत लोग हैं जो लोग मैरिड कपल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या हो सकते हैं कि जो लोग सिंगल्स हैं, या हो सकता है जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप सेजिटेरियस खुद क्या चाहते हैं, ठीक है, और क्या उसमें कर रहे हैं. कॉलिंग इन योर सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है. इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी लाइफ में आपका यू नो द काइंड ऑफ लव यू आर वेटिंग फॉर, सोलमेट, येस ऑफ कोर्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जहां आप खुल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब ये पर्सन न्यू है या मे बी योर फीलिंग, वो आपको देखना है, ठीक है, कि कौन है आपके लिए परफेक्ट मैच. तो तब हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट दिखाई दे रही है. और मे बी, बट येस, जो लोग, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लोग मैरिड हैं, इट्स अबाउट कि थोड़ी जगलिंग सिचुएशन है, थोड़ी सी इधर उधर वाली एनर्जी है, तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है. सो दैट यू नो आप लोगों के बीच में एक वो जो प्यार है जो खो चुका है वो दोबारा आए, ठीक है, और आप लोग एक साथ हो सकें, बॉन्ड जो है आपका वो स्ट्रांग हो सके. और ये चीज़ें हैं. और सिंगल्स के लिए भी ऑफकोर्स यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, एंड फ्री योर सेल्फ पास्ट एनर्जीज में से, अपने आप को फ्री कीजिए और आगे बढ़िए. आगे बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है, कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए मिल सकता है, ठीक है. सो इन चीज़ों में से बाहर निकलने की ज़रूरत है. ओके, अब आपके करियर की देखेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपके लिए. ओके, सो करियर वाइज इट्स अबाउट थिंकिंग, ठीक है, रीथिंकिंग और थिंकिंग. थोड़ा सा आपको लग रहा है अनफेयर, यू नो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं. मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं एट वर्क प्लेस. यू आर फीलिंग लिटिल लो. आपको ऐसा लगता है कि क्यों आपके साथ ही ऐसा होता है, इट्स अबाउट दैट. या हो सकता है कि कुछ चल रहा है, यू नो लाइक कुछ समथिंग इज कुकिंग. हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे, यू नो कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे अचीव करेंगे. कुछ केसेस में ये हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी, यू नो लाइक यू आर फेसिंग चैलेंजेस. ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंज से भरा हुआ हो सकता है, ये चीज़ है. बट इट्स ओके, आई थिंक यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मल्टीटास्कर जैसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ें हैं. बट कभी कभी हो सकता है कि ये चीज़ हावी हो जाती है और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कैसे इसको हैंडल करें. एक ये भी चीज़ हो सकती है. अच्छा, कुछ केसेस में हो सकता है कि आप कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं. ऑफ़ कोर्स यू विल यू नो गेट इट, जो आप सोच रहे हैं. किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि जो
जैसा भी आप सोच रहे हैं वैसा आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर. यू हैव टू री इवेल्यूएट सर्टन थिंग्स. कुछ चीज़ों में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. यू नो चेंजेस, इट्स अबाउट री इवेल्यूएशन. दोबारा यू नो अंडरस्टैंड, लाइक दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या थोड़े से अपने तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ हो सकती है. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर. चलिए अब हम बात करेंगे क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए. ओके, बैलेंस योर एनर्जी. ठीक है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. और अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, इट्स अबाउट दैट. और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हैं. और स्ट्रेस की वजह से आप अपनी कोई चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे. तो एक्चुअली में इट्स अबाउट ट्रस्ट, आई थिंक कि शायद हो सकता है आप ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे. आपके जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का बार बार कार्ड आ रहा है. और ये आपके रिलेशनशिप्स में भी आ रहा था, ठीक है, करियर में भी ये चीज़ हो रही है. तो आपकी इस टाइम सेजिटेरियस, अगर हम पूरी एनर्जी चेक कर रहे हैं, वो है ये कि स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, टॉक्सिक. ठीक है, जो हो सकता है आई थिंक एक खतरा बन के आपके ऊपर झूल रहे हैं. ठीक है, और मे बी पीपल यू नो मतलब आपसे जेलस करते हैं या ऐसा कुछ है. तो आपको क्या करना है कि अपना बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग कीजिए टू द डिवाइन, या सरेंडर कीजिए. ठीक है, और ट्रस्ट. और मे बी इट्स अबाउट लाइक आपको एक फियर है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन अ राइट डायरेक्शन, जहाँ भगवान आपको चाहते हैं. ठीक है, जहाँ वो आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू, आप यू नो मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं. तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए. ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है. ठीक है, वंस यू लाइक यू नो लाइक अपने आप को यू नो यू पुल अवे फ्रॉम सच पीपल, अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ की जो भी जो इश्यूज़ हैं ना, वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.